स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, महाराजा के मोटिव को देख के आप सभी के दिमाग में एक ही शब्द आ रहा होगा और वो है एयर इंडिया। आज एयर इंडिया एक लॉस मेकिंग वेंचर के रूप में इन फेमस है, जो टैक्स पेयर्स के हार्ड एंड मनी पर एक परमानेंट ड्रेन बन चुकी थी। एज ऑफ 31 मार्च 2020, एयर इंडिया 70,000 करोड़ के लॉसेस एक्यूमुलेट कर चुकी थी। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्लोज किया कि फाइनेंशियल ईयर 2009 and 10 ऑनवर्ड्स इंडियन टैक्स पेयर्स ने एयर इंडिया को 1,10,276 करोड़ रुपीज की फंडिंग प्रोवाइड की है, जिसमें से 55,584 करोड़ रुपीज कैश सपोर्ट के रूप में और 55,692 करोड़ रुपीज लॉस मेकिंग होने के कारण क्रेडिट गारंटी सपोर्ट के रूप में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी जमाने में एयर इंडिया एक ग्लोबली रिनोन्ड ब्रांड हुआ करती थी? यहां तक कि वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइंस सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया से डिजाइन कॉन्सेप्ट्स बोरो किए थे। क्या आप जानते हैं कि एयर इंडिया को फ्लाइंग पैलेस के नाम से जाना जाता था? किसी जमाने में एयर इंडिया हिंदुस्तान की शान हुआ करती थी और हमारे कल्चर को पॉपुलराइज करने का एक मेजर सॉफ्ट पावर टूल भी हुआ करती थी। लेकिन एक साल पहले तक एयर इंडिया की यह हालत हो चुकी थी कि इसके लिए कोई खरीदार तक ढूंढना मुश्किल हो चुका था। इतनी पुरानी नेशनल और ग्लोबल ब्रांड को बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद सिर्फ 18,000 करोड़ रुपीज में टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी को बेच दिया गया। और ये तो तब है जब भारत सरकार ने एयर इंडिया का करीब 33,000 करोड़ का कर्ज अपने हाथों में ले लिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि अनगिनत ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशंस में लाखों जाने बचाने वाली एयर इंडिया की जान आज टाटा को बचानी पड़ रही है। जानेंगे कि दुनिया भर में सिंगापुर एयरलाइंस, एटिहाड और एमिरेट्स जैसे नेशनल कैरियर्स प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रहे हैं और बड़े ब्रांड्स भी बने हुए हैं, तो क्या वजह है कि एयर इंडिया के हालात इतने खराब हो गए। साथ ही डिस्कस करेंगे कि टाटा सन्स के हाथों में एयर इंडिया किस तरह से भारत की प्राइड और सॉफ्ट पावर वापस ला सकती है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी सीएससी मेंस में GS3 के इंडियन इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट जैसे सब टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ hours का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30th of September मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला मोटर ऑपरेटेड फिक्स विंग एयरक्राफ्ट अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में उड़ाया था। इसके ठीक 8 साल बाद 1911 में भारत में पहली बार एरोप्लेन ने उड़ान भरी। हेनरी पिक्विट नाम के एक शख्स ने अलाहाबाद में कुंभ के मेले के दौरान मेल डिलीवर करने के लिए ये उड़ान भरी थी। लेकिन 20th century भारत में ब्रिटिश राज का एक मेजर इम्पैक्ट ये हो चुका था कि इंडियन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को ड्रेन करके बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। इस वजह से करीब 30 साल लग गए किसी भारतीय को एरोप्लेन उड़ाने में। फाइनली JRD टाटा इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर के मसीहा बनकर आए और प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल करने वाले पहले इंडियन भी बने। JRD टाटा ने टाटा एयर सर्विसेज नाम से एक एविएशन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम बाद में टाटा एयरलाइंस कर दिया गया।
इस कंपनी ने एयरमेल कैरी करने का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और 15th ऑफ अक्टूबर 1932 के दिन कराची से मुंबई तक की उड़ान भर के जेआरडी टाटा इस मुकाम को हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। जेआरडी टाटा का सपना पायलट डाकिया बनने से कहीं बड़ा था। उन्हें भारत में सिविल एविएशन रिवॉल्यूशन लेकर आनी थी, जिससे आम आदमी तक हवाई यात्रा पहुंच सके। ब्रिटिश पॉलिसीज का इंडियन कैपिटलिस्ट के सख्त खिलाफ होने के कारण टाटा को कोई भी इन्वेस्टमेंट या सपोर्ट मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद अपने ऑपरेशन के पहले ही साल में इस एयरलाइन ने करीब 60,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। कुछ ही दिनों में टाटा एयरलाइंस ने मद्रास, त्रिवांड्रम और दिल्ली जैसे डोमेस्टिक रूट्स के साथ साथ कोलंबो और बर्मा जैसे इंटरनेशनल लोकेशंस भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान टाटा एयरलाइंस ने रॉयल एयरफोर्स की ट्रूप मूवमेंट, सप्लाईज की शिपमेंट, रेफ्यूजी रेस्क्यू ऑपरेशंस और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भी मदद की। 1946 में टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, यानी कोई भी कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में खरीद सकता था। 1947 में आजाद हिंदुस्तान ने सोशलिस्ट सरकार देखी, जिनका आउटलुक एक स्टेट लेड इकोनॉमी एस्टैब्लिश करने का था, यानी सरकार को ही सारे इकोनॉमिक डिसीजंस और रिसोर्सेज पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करना था। पावर में आते ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सरकार ने नेशनलाइजेशन की ताकत हासिल कर ली और उसका वन ऑफ द फर्स्ट विक्टिम बना एविएशन सेक्टर। पहले 1948 में भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस के 49% शेयर्स खरीद कर इसका नाम बदल के एयर इंडिया कर दिया। फिर 1953 में एयर कॉरपोरेशंस एक्ट पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन अनाउंस कर दिया। 9 डोमेस्टिक एयरलाइंस जो अभी तक प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट कर रही थी मर्ज करके नेशनलाइज कर दी गई। 2 पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई गई, इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए और एयर इंडिया इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। जेआरडी टाटा इस मूव के सख्त खिलाफ थे, यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि नेशनलाइजेशन पीएम नेहरू की सोची समझी चाल है टाटा परिवार का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। जेआरडी टाटा के अनुसार नेशनलाइजेशन से एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी एयरलाइन को कंट्रोल करेगी जिसे प्लेन उड़ाने की कोई समझ नहीं थी। उनके अनुसार इससे एम्प्लॉय मोरल और सर्विस स्टैंडर्ड्स इफेक्ट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन में लेथार्जी किक इन होगी। जेआरडी टाटा की एक्सपर्टीज की रिस्पेक्ट करते हुए सरकार ने उन्हें एयर इंडिया की चेयरमैनशिप और इंडियन एयरलाइंस की डायरेक्टरशिप ऑफर की, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। आने वाले लंबे समय तक एयर इंडिया ने अपनी एक यूनिक ब्रांड बिल्ड की, एक ऐसी एयरलाइन के रूप में जो एयर ट्रैवल और ओरिएंटल ब्यूटी की कॉम्बिनेशन थी। वर्ल्ड क्लास लग्जरी के साथ साथ फैसिनेटिंग इंडियन आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, महाराजा जैसे मोटिव्स, ताज होटल के शेफ से बनाया कॉन्टिनेंटल खाना, शैंपेन और अनमैच्ड हॉस्पिटैलिटी एयर इंडिया की ब्रांड को डिफाइन करने लगे। एयर इंडिया ने इंडिया की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को एक ट्रूली इंडियन ब्रांड बनाया, जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व था। इस पूरी जर्नी के स्टार थे जेआरडी टाटा, जिनके लिए ये एयरलाइंस हर्ट एंड सोल थी। बहुत सी फ्लाइट्स पर वे पर्सनली ट्रैवल करते थे, एज अ पायलट या एज अ पैसेंजर, जिससे पर्सनली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकें। उस समय इंटरनेशनल एयरलाइंस की संख्या बहुत कम थी, कॉम्पिटिशन लिमिटेड था, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की लहर अभी बहुत दूर थी, स्पेशली भारत से तो बहुत ही दूर। इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर इंडिया अपनी ओरिएंटल ब्रांड के साथ एक मार्केट नीश हासिल कर चुकी थी। दोस्तों, इतना अच्छा ब्रांड और ग्रोथ जर्नी का डिस्ट्रॉय होने के पीछे का कारण एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट को ही मानते हैं। क्रिटिक्स के अनुसार एयर इंडिया के पतन की कहानी शुरू हुई सरकार द्वारा किए जाने वाले मैनेजमेंट चेंजेस से। दरअसल 1978 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट बॉम्बे कोस्ट के पास समुद्र में क्रैश हो गई, जिसमें सभी 213 पैसेंजर्स और क्रू की दुखद मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में इस ट्रेजेडी की वजह पायलट एरर ड्यू टू इक्विपमेंट फेलर पाया गया। लेकिन ठीक एक महीने बाद उस समय की मोराजी देसाई लेड गवर्नमेंट ने जेआरडी टाटा को बलि का बकरा बनाना सही समझा। जेआरडी टाटा को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड से निकाल दिया गया। एक इंडिपेंडेंट बोर्ड को मिनिस्ट्री सिलेक्टेड बोर्ड से रिप्लेस करने की प्रक्रिया यहां से शुरू हो गई थी, जिस वजह से जाहिर है कि बिजनेस एक्यूमेन और टेक्निकल एक्सपर्टीज की जगह पॉलिटिकल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हो गईं। आगे चलकर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने जेआरडी टाटा को वापस बुलाया जरूर, लेकिन उन्हें चेयरमैनशिप नहीं ऑफर की।
1986 में राजीव गांधी ने रतन टाटा को बोर्ड पर इनवाइट किया, लेकिन शायद एयरलाइंस का फ्यूचर रतन टाटा ने कुछ ही समय में भांप लिया। 3 साल में रतन टाटा ने एयर इंडिया के बोर्ड से एग्जिट कर लिया और उसके साथ एयर इंडिया को अपना हर्ट एंड सोल देने वाले टाटा सन्स का कंप्लीट एग्जिट हो चुका था। मैनेजमेंट में इस कंप्लीट चेंज के बाद एयर इंडिया में रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन होते चले गए। किसी जमाने में ताज का खाना सर्व करने वाली एयरलाइंस के खाने में कॉकरोचेस मिलने लगे। जेआरडी टाटा खुद फ्लाइट्स उड़ाते भी थे और खुद सफर करके सर्विस स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते थे, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना इम्पॉसिबल था। एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस खराब होती चली गई। 1991 में जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया तो एयर इंडिया के लिए ये डिजास्टरस साबित हुआ। खराब सर्विस क्वालिटी और पुअर मेंटेनेंस की वजह से एयर इंडिया फॉरेन इंटरनेशनल एयरप्लेन्स का मुकाबला करने के काबिल ही नहीं थी। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बढ़ाने के साथ साथ अमेरिकन, जर्मन, सिंगापुरियन और मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस ने इस वॉइड का एडवांटेज लेकर इंडियन मार्केट को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ एयर इंडिया इंटरनेशनल मार्केट्स तो दूर, डोमेस्टिक मार्केट में भी कम्पीट करने के लायक नहीं बची थी। 2007 तक दोनों एयरलाइंस मिलाकर 770 करोड़ से ज्यादा का लॉस एक्यूमुलेट कर चुकी थी। इस समय सरकार ने दोनों एयरलाइंस को बचाने के लिए इनका मर्जर अनाउंस किया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मिलाकर नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना दी गई, लेकिन फंडामेंटल्स वीक होने की वजह से ये मर्जर भी लॉस मेकिंग निकला। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की तरह एयर इंडिया भी ओवरस्टाफ थी। यहां पर प्लेन 256 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 100 का था, यानी रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज से 2.5 टाइम्स ज्यादा एम्प्लॉइज एयर इंडिया ने हायर कर रखे थे। इन सबकी सैलरी, पेंशन, हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह का आप अंदाजा लगाकर देखिए। ऊपर से एम्प्लॉइज के लिए फ्री फूड, अकोमोडेशन और फ्री फ्लाइट टिकट्स जैसी लग्जरीज भी अवेलेबल थी। इनएक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होने की वजह से बहुत से बैड बिजनेस डिसीजंस एयर इंडिया ने लिए, जैसे कि लॉस मेकिंग होने के बावजूद 44,000 करोड़ वर्थ के एयरप्लेन्स खरीद लिए गए, जबकि ज्यादातर एयरलाइंस एयरक्राफ्ट को लीज पर लेकर ऑपरेट करती हैं, जिससे मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर अवॉइड हो सके। लेकिन एयर इंडिया को इस सब की क्या चिंता, उसके पास तो टैक्स पेयर्स का अनलिमिटेड मनी अवेलेबल था। इस डील में भी बहुत से डिलेज हुए। पहले एयरप्लेन्स खरीदने के लिए एयरबस सिलेक्ट की गई, फिर डील कैंसिल करके बोइंग को सिलेक्ट किया गया। धीरे धीरे पायलट्स और स्टाफ की रेगुलर स्ट्राइक्स, फ्लाइट डिलेज, अनफ्रेंडली और अनवेलकमिंग स्टाफ एटीट्यूड और लैक ऑफ सर्विस एयर इंडिया की नई ब्रांड इमेज बन गई। एक्सपर्ट्स का मानना था कि एयर इंडिया को बहुत पहले ही वाइंड अप कर देना चाहिए था, जिससे टैक्स पेयर्स का पैसा बचाया जा सके, लेकिन सरकार के लिए एयर इंडिया एक प्रेस्टीज इशू बन चुका था। यहां तक कि एक सीएजी रिपोर्ट में एयर इंडिया को नेशनल कैरियर और सिंबल ऑफ द स्टेट का दर्जा दे दिया था। एक कमर्शियल एंटिटी को बिजनेस फंडामेंटल्स की जगह मिसप्लेस्ड सिंबलिज्म पर चलाना एक ब्रेन डेड इंसान को जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखने जैसा ही है। एयर इंडिया को बचाने की मशक्कत में सरकार ने प्रॉफिटेबल प्राइवेट एयरलाइंस का भी बहुत नुकसान किया। ल्यूक्रेटिव रूट्स, प्राइम टाइमिंग्स और अन्य बेनिफिट्स के थ्रू एयर इंडिया को अनफेयर एडवांटेजेस दिए गए, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं क्योंकि बेसिक्स में बहुत सारे फ्लॉज थे। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि किस तरह लॉस मेकिंग एयर इंडिया को एक प्रेस्टीज इशू बनाकर सरकार ने इंडियन एविएशन सेक्टर और टैक्स पेयर के पैसे का कितना नुकसान किया। लेकिन खुशखबरी यह है कि फाइनली 8 अक्टूबर 2021 को टाटा सन्स ने टैलिस प्राइवेट लिमिटेड नाम की सब्सिडरी के थ्रू एयर इंडिया में 100% स्टेक्स एक्वायर कर लिए। फाइनली टैक्स पेयर मनी पर एक मेजर ड्रेन सरकार की बैलेंस शीट से दूर हो गया। अब चूंकि एयर इंडिया अपने ओरिजिनल ओनर्स टाटा सन्स के हाथ में पहुंच चुकी है, तो ऐसी आशा की जा रही है कि एयर इंडिया अपनी पुरानी ब्रांड और ग्लोरी तक पहुंच सके, और ये होप बहुत हद तक फीजिबल भी है। आइए जानते हैं क्यों। भारत सरकार की फुल एंड फाइनल एग्जिट के साथ साथ एयर इंडिया के मैनेजमेंट में से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सफाया हो चुका है। फाइनली टेक्निकल एंड बिजनेस एक्यूमन रखने वाले प्रोफेशनल्स को एयर इंडिया के बोर्ड पर जगह दी जा सकेगी। प्रॉफिट ओरिएंटेड टॉप क्लास प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने और 44,000 करोड़ के एयरक्राफ्ट लॉस मेकिंग फेज में खरीदने जैसे ब्लंडर्स अवॉइड किए जा सकेंगे। साथ ही एक मेजर इकोनॉमिक ड्रेन से छुटकारा पाया जा सकेगा, जो काम सरकार कभी नहीं कर सकती थी। ओवरस्टाफिंग का रिडक्शन और अननेसेसरी एम्प्लॉय बेनिफिट्स का रिडक्शन भी होगा। एयर इंडिया को एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि सैलरीज, पेंशन, हेल्थ बेनिफिट्स
और फ्रीबीज जैसे कमिटेड एक्सपेंसेस को कम किया जा सके और कंपटीशन एयरलाइंस के बराबर लाया जा सके। इस मूव से लेऑफ्स जरूर होंगे लेकिन बहुत सी नौकरियां बचाई भी जा सकेंगी। लॉन्ग रन में एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बनाकर एडिशनल मार्केट शेयर कैप्चर किया जा सकेगा, जिससे इन लेऑफ्स की जगह कई गुना नौकरियां क्रिएट भी हो सकेंगी। डेट के मामले में एयर इंडिया को ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट मिला है। 18,000 करोड़ की पेमेंट के बाद सारी एक्युमुलेटेड डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, जो एयर इंडिया के नॉन कोर एसेट्स को बचाने के बाद करीब 33,000 करोड़ की बचती है। इन सिंपल वर्ड्स, एयर इंडिया को न्यू ओनर्स के अंडर एक फ्रेश स्टार्ट मिली है, जहां उसके सारे पुराने पाप धुल चुके हैं। इस वजह से नए लोन्स या इन्वेस्टमेंट हासिल करना एयर इंडिया के लिए सस्ता और आसान हो सकेगा। टाटा ने एयर इंडिया के ब्राइट फ्यूचर के सिग्नल्स देते हुए एक नई एयरक्राफ्ट फ्लीट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जो एयर इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ाने में मददगार साबित होगा। 5 बोइंग वाइड बॉडी 777 एयरक्राफ्ट्स इंटरनेशनल रूट्स के लिए और 25 एयरबस A320 नियो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स डोमेस्टिक रूट्स के लिए अगले साल तक एयर इंडिया के पास होंगे। इस डिसीजन से एयर इंडिया की फ्लीट स्ट्रेंथ करीब 25% तक बढ़ जाएगी, जिससे प्रॉफिटेबल रूट्स पर सर्विसेज बढ़ाई जा सकेंगी। एयर इंडिया की सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो मिडिल ईस्टर्न रूट्स पर शॉर्ट ड्यूरेशन इकोनॉमिकल इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, 5 बोइंग 77S अपनी सिस्टर कंपनी विस्तारा एयरलाइन से हासिल कर चुकी है। इंडिया मिडिल ईस्ट रूट्स प्रॉफिटेबल और ल्यूक्रेटिव रूट्स में से एक है। ऐसे डिसीजन ही एयर इंडिया को रिवाइव कर सकेंगे। साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि एयर इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार प्रीमियम इकोनॉमी भी ऑफर की जाएगी, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ साथ रेवेन्यूज भी इम्प्रूव होंगे। टाटा के अंडर एयर इंडिया के लिए एक्सपेंशन अब इजियर काम है, क्योंकि पहले अगर सरकार एक लॉस मेकिंग एयरलाइन पर और खर्च करने की बात करती तो ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर होता। एयर इंडिया ने नए इंटरनेशनल रूट्स के अनाउंसमेंट की मानो लड़ी लगा दी है। ये रूट्स इंडियन मेट्रो सिटीज से US के बहुत से शहरों को कनेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क। बेंगलुरु टू सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट हफ्ते में 3 बार ऑपरेट करेगी। टाटा के हाथ में आने से एयर इंडिया के क्वालिटी और सर्विस स्टैंडर्ड्स, इंक्लूडिंग अनफ्रेंडली स्टाफ एटीट्यूड के सुधरने की भी उम्मीद जताई जा रही है। टाटा ने ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी विस्तारा और एयर एशिया के साथ प्रूव की है, जो आज इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विस, टाइमली डिपार्चर्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से बड़े नाम बने हैं। टाटा ऑलरेडी इंडियन एविएशन मार्केट में 24% शेयर कमांड करता है। इस वजह से टाटा का एक्सपीरियंस एयर इंडिया में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने के साथ एयर इंडिया की ब्रांड वैल्यू वापस ला सकता है। 3 एयरलाइंस के साथ इंप्रूविंग एफिशिएंसी, लार्ज मार्केट शेयर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण एयर इंडिया अपना टिकट प्राइस फर्दर रिड्यूस कर सकता है, जिससे एयर ट्रैवल आम आदमी के लिए और अफोर्डेबल हो सकेगी। इंडियन मार्केट में एयर इंडिया कैसे अपनी हिस्टोरिक ग्लोरी हासिल कर सकती है, ये जानने के लिए मार्केट लीडर की सक्सेस स्टोरी से भी लेसन मिल सकते हैं। 52% मार्केट शेयर के साथ इंडिगो मार्केट लीडर है। इंडिगो ने अपने ऑपरेशन के पहले ही साल में एक सिंगल ऑर्डर में एयरबस से 100 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करके सबको सरप्राइज कर दिया, लेकिन एयर इंडिया की तरह ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं था। लार्ज ऑर्डर क्वांटिटी की वजह से इंडिगो को 50% तक के डिस्काउंट्स मिले। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट्स इंडिगो ने एयरलाइंस को प्रीमियम पार फर्दर स्केल कर दिए, जिससे इंडिगो ने अपफ्रंट प्रॉफिट अर्न किए। हैवी डिस्काउंट पे खरीदने की वजह से प्रीमियम पर बेचने के बावजूद बाकी एयरलाइंस को ये एयरक्राफ्ट्स सस्ते पड़े। इसके बाद इंडिगो ने इनमें से ही कुछ एयरक्राफ्ट्स लीज पर ले लिए। इस मॉडल को सेल्स एंड लीज बैक मॉडल कहा जाता है, जिससे इंडिगो को काफी फायदा हुआ। इसके अलावा इंडिगो ने इंडियन मार्केट को करीब से समझा और पाया कि यहाँ ज्यादातर फ्लायर्स अफोर्डेबिलिटी की बोर्ड लाइन पर हैं, यानी टिकट प्राइस को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए इंडिगो ने इन फ्लाइट मील्स और एंटरटेनमेंट एलिमिनेट करके फ्यूल और स्पेस भी कंजर्व किया और साथ ही टिकट प्राइस को भी कम कर दिया। ऐसी जीनियस बिजनेस स्ट्रेटजीज एक कॉम्पिटिटिव, एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनली ऑपरेटेड कंपनी में ही पॉसिबल है, और आज वो सारी क्वालिटीज एयर इंडिया के पास भी हैं, अगर जरूरत है तो उन्हें नरिश करने की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंडियन एविएशन सेक्टर का महाराजा किस तरह कर्ज में डूबने पर मजबूर हो गया। हमने डिस्कस किए इसके पीछे के रीजंस और जाना कि किस तरह एयर इंडिया टाटा के कंधों पर बैठकर वापस अपने पुराने महाराजा वाले दिनों में लौट सकता है। एक मेजर टेक अवे ये है कि गवर्नमेंट के नॉन एसेंशियल बिजनेस में मौजूद होने से
इनएफिशिएंसी का किक इन होना लाजमी है। ऐसा इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी अपने पैसे से नहीं बल्कि टैक्स पेयर के पैसे से डील करती है। इस वजह से लेथार्जी, इनएफिशिएंसी, केयरलेसनेस और लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इस वजह से कहा जाता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन अ बिजनेस। जिन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटी, एपेटाइट और एफिशिएंसी डेवलप हो चुकी है, उन सेक्टर से गवर्नमेंट को एग्जिट कर लेना चाहिए। एयर इंडिया के फ्यूचर के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लॉस मेकिंग होने के बावजूद एयर इंडिया आज भी एक यूनिक और अट्रैक्टिव इंटरनेशनल फुटप्रिंट कमांड करती है। एयर इंडिया के कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज का 2/3 से ज्यादा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है। इंटरनेशनल मार्केट में एयर इंडिया नंबर 1 इंडियन प्लेयर है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसी ज्योग्राफीज में एयर इंडिया का बोलबाला है, जहां एक्सक्लूसिव अट्रैक्टिव स्लॉट्स और बायलेटरल राइट्स एयर इंडिया को मिली हुई हैं। एयर इंडिया के फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में 30 लाख से ज्यादा मेंबर्स मौजूद हैं। एयर इंडिया के पास इंडियन एयरपोर्ट्स में 4400 डोमेस्टिक और 1800 इंटरनेशनल लैंडिंग एंड पार्किंग स्लॉट्स और ओवरसीज एयरपोर्ट्स में 900 स्लॉट्स जैसे अट्रैक्टिव एसेट्स मौजूद हैं। इन वजहों से सही हाथों में एयर इंडिया का फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने एयर इंडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए। एयर इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ को लेके आपके क्या ओपिनियंस हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा वो सबसे बड़ा रोड़ा है जो एयर इंडिया की ग्रोथ के सामने आ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड नेशनलिज्म ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया। डू यू थिंक नेशनलाइजेशन हैज प्रूव्ड इफेक्टिव? कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।